अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जुटने जा रही है। मौका है ब्रिक्स समिट का। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में मुलाकात भी हो सकती है। जाने कितना ताकतवर है ब्रिक्स और इससे अमरीका क्यों घबरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट की शुरुआत महत्वपूर्ण बात है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब ब्रिक्स की ये पहली ऑफलाइन मीटिंग होगी। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले इस समिट में अपनी करेंसी में कारोबार करने पर भी बातचीत होगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्या ब्रिक्स से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी बार पिछले साल नवम्बर में G20 बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सभी सदस्य देश इस पर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों की समिट पर दुनिया की, खासतौर से अमरीका की नजरें हैं। अमेरिका की चिंता इसलिए भी और बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले साल ब्रिक्स देश 122 मौकों पर रूस के साथ जुड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में आने से पहले ही मना कर चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग की यात्रा पर है। वो वहां आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सम्मेलन में किस मुद्दों पर बात करेंगे, देखते हैं खास रिपोर्ट में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 से 24 अगस्त तक चलेगा और इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डी सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में खाद्य असुरक्षा, आर्थिक सहयोग और ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे एजेंडा पर चर्चा में भाग लेंगे। मोदी बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे जहां उनसे ऐसे समय में ब्रिक्स के महत्व को रेखांकित करने की उम्मीद है जब दुनिया अभी भी महामारी यूक्रेन युद्ध के परिणामों से जूझ रही है। साथ ही वे भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकते हैं। संभावना है कि पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकालने की आवश्यकता को दोहरा सकते हैं। पिछले साल ब्रिक्स वार्ता की मेजबानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी और मोदी ने इस मौके पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। इस बार भी वे आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोविड-19 का नया वेरिएंट BA.2.86 कई देशों में फैल चुका है। इसको लेकर एक्सपर्ट ने चिंताएं जाहिर की है और बताया है कि यह वेरिएंट नई लहर का भी कारण बन सकता है। नया वेरिएंट क्या है, इसके लक्षण क्या है, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कोविड-19 दिसंबर 2019 से फैलना शुरू हुआ था। चीन से शुरू होकर यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था जो लाखों मौतों का कारण बना। 3 साल के बाद भी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण केंद्र ने कोविड-19 के एक और वेरिएंट को चिंता का विषय बताया है। इस वेरिएंट का नाम BA.2.86 है जिसे पिरोला नाम से भी जाना जा रहा है। WHO के SARS-CoV-2 वेरिएंट मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल करने के बाद इस वेरिएंट पर निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। CDC के मुताबिक यह वेरिएंट अमेरिका, डेनमार्क, इसराइल और UK सहित कई देशों में पाया गया है। WHO ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए BA.2.86 के बारे में बताया था और अधिक म्यूटेशन के कारण इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग माना है। हेल्थ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इस नए वेरिएंट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या यह वेरिएंट बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह नया वायरस BA.2.86 पिरोला क्या है, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में भी जान लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट,
जीएसटी। एलन मस्क की कंपनी की जांच में पता चला है कि कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों ने ही टेस्ला की आईटी सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन का उल्लंघन कर डेटा को लीक किया और इसे मीडिया के साथ साझा किया। क्या है इसके पीछे की वजह, देखते हैं रिपोर्ट में। एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी टेस्ला इंक के मई में हुई डेटा लीक से 75,000 लोग प्रभावित हुए थे। इसमें कंपनी के कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल है। अब पता चला है कि कंपनी के कर्मचारियों ने ही यह डेटा लीक किया था। बता दें कि बीते 10 मई 2023 को एक विदेशी मीडिया ने टेस्ला को बताया था कि उसके पास टेस्ला की गोपनीय सूचनाएं हैं। इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि इस डेटा लीक से 75,735 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें कंपनी के कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि कंपनी के दो पूर्व कर्मचारी ने ही टेस्ला की आईटी सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन का उल्लंघन कर डेटा को लीक किया और इसी मीडिया के साथ साझा किया। टेस्ला ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया है। टेस्ला ने अदालत से आदेश जारी करवाया है कि अब कंपनी के पूर्व कर्मचारी का डेटा में सेंध नहीं लगा सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।